बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सुनी है, पर अभी तक मैंने नहीं देखी है क्योंकि हम अभी अभी हम शूट करें अभी सीरी टू के लास्ट कैड में हम है, और जैसे आपने सुना है कल सेट पे एक फायर हुआ, पर लकीली हमने आज जम के शूट की, तो वी आर बैक ऑन सैटरडे एंड वहीं से आ रहे हैं मैं और वरुण इकट्ठे आए हैं यहाँ पे, तो आई होप कि आई थिंक कि जब एक ऑफ डे मिलेगा तो मैं जाके देखूंगी फाइनली बदलापुर. आई लव बदलापुर, वरुण वाज ग्रेट, मूवी वाज ग्रेट एंड इट्स रियली नाइस टू सी यू गाइस. आई होप कि रघु का जो किरदार है वो लोगों के जहन में, लोगों के दिलों में रहेगा एंड इट विल स्टे विद पीपल फॉर वेरी लॉन्ग. बट आई थिंक विद एवरी फिल्म वी ट्राई एंड चेंज. आई थिंक अभी ABCD 2 आ रही है एंड अभी मुझे लोग सुरेश के नाम से जानेंगे, वो मेरा कर्तव्य है एक्टर के तौर पे कि यू नो मी एज अ कैरेक्टर. आई थिंक हर किसी का काम बहुत अच्छा है. वरुण ने आई फील इतने कम समय में नवाजुद्दीन सर जैसे एक्टर को इतनी अच्छी टक्कर दी है, सो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम एंड वंडरफुल कूडोस टू एवरीवन. फिल्म इज डन वेरी वेल एंड आई थिंक इट्स अ कंबाइंड टीम एफर्ट. आई वुड ऑलवेज लाइक टू डू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांट टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स. दैट्स ऑलवेज बीन आई गेस माय एंबिशन एज एन एक्टर टू ऑलवेज पुश माय सेल्फ. सो या विद दिस फिल्म आई try to do in some small measure. I said this before, I'll say this again, I think the entire credit goes to Sriram Raghavan for making an outstanding film, for making the film that he believed in, and I'm glad that audiences and critics, everyone's really liked the film. Varun ne actually mujhe poster dikhaya tha set pe aur ekdam hatoda watoda leke ekdam intense role mein dikh rahe the, to mujhe instantly maine bola ki Varun, this is going to be like something else, aur wahi hua. आई थिंक नवाजुद्दीन और मैं इतने अनयूजुअल और पेयरिंग है फ्रॉम आर फर्स्ट फिल्म फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर. आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल फाइंड रियली रियली इंटरेस्टिंग. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक नवाजुद्दीन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव ऑफ दिस जनरेशन, एंड उनके साथ काम करना, आई थिंक देयर सो मच आई कैन लर्न फ्रॉम हिम एंड आई वुड लव टू डू मोर फिल्म्स विद हिम. आई थिंक थोड़ा तो ऑब्वियसली डेक्स्टर का इन्फ्लुएंस है मुझ पे, आई एम अ बिग फैन ऑफ डेक्स्टर एंड माइकल सी हॉल, बट उससे ज़्यादा आई थिंक श्रीराम राघवन अगर क्रिमिनल माइंड के बारे में बात करें, सो जो भी उटपटांग या जो भी क्रेजी थिंग्स हम लोग ने इस पिक्चर में किए थे, ऑल इन द माइंड ऑफ श्रीराम राघवन एंड हिज एसोसिएट पूजा एंड अनिल मेहता जो हमारे कैमरा मैन है, ही डिजर्व्स लॉट ऑफ क्रेडिट. ऑब्वियसली मेरा बेटा है, बट ही इज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप टू डू अ फिल्म लाइक दैट एंड इट्स वर्क्ड. बहुत मेहनत की है उसने, वो नज़र आता है, और ये खुद की डिसीजन है उसकी कि ये फिल्म करनी चाहिए. टुडे इज़ अ वेरी ग्रेट डे. मैंने इतनी फिल्में बनाई, इतनी सक्सेस देखी, पर ये सक्सेस जो है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रख, मतलब बहुत अहमियत रख. यार ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, आप इतनी मेहनत करते हो किसी फिल्म के लिए, और डायरेक्टर बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर थे सारा, तो खैर उन्हीं को श्रेय देना चाहिए और इस तरह की फिल्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अलग फिल्म है. और डेयर किया डेन्यू विजन ने इस फिल्म को बनाने में, तो मुझे लगता है इस तरह की फिल्में आगे बहुत बनेंगी. आई एम सुपरबली हैप्पी बिकॉज वन आई लव श्रीराम राघवन्स वर्क, टू इट्स द फर्स्ट टाइम, पहली बार है कि मैं वरुण धवन आवाज़ के साथ काम कर रही हूँ. तीसरी बार जब एक फिल्म बहुत खूबसूरत बनती है तो आप चाहते हैं उसे लोग सराहें, और ऐसा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और आपका काम भी पसंद किया जाए तो आई थिंक सोने पे सुहागा होता है. सो फॉर मी इट्स अ थर्ड कंसेक्यूटिव हिट, सो आई एम वेरी हैप्पी. दो कैरेक्टर की फिल्म है और जिसमें एक इंसान अच्छा होता है, एक बुरा होता है, और बाद में वो एक बुरा हो जाता है, एक अच्छा हो जाता है. ये दो कैरेक्टर की कहानी, ना कि हीरो और विलन की. तीन किरदार हैं, एक है नवाज, एक है वरुण, और तीसरा है ऑडियंस. एक्चुअली क्योंकि ऑडियंस के लिए, हमारे लिए क्या होता है कि जब हम रिवेंज फिल्म देखते हैं तो हमको लगता है कि ये होगा, अभी हीरो का तो ये हो गया तो अभी वो जाके रिवेंज लेगा, आपको मज़ा आएगा. तो धीरे धीरे इसलिए इस फिल्म में मतलब हम हीरो को क्वेश्चन करते हैं और विलन को प्यार करने लगते हैं. बहुत अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए और हम सब लोगों के लिए, इस तरह की फिल्म चल रही हैं और पैसा बना रही हैं, तो दिस इज़ एनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस. वरुण ने बहुत अच्छा काम किया. मैंने तो वरुण की पहली या दूसरी फिल्म देखी है. आई थिंक ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ ग्रोइंग विद एवरी फिल्म एंड आई थिंक